कहा यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो पर रूसी सेना ने किया मिसाइल अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी काफिले में हड़कंप। कहा वैगनर ग्रुप ने संभाला सुखोई 25 का कमांड डोनेस्क में। डेली कितने यूक्रेनी सैनिकों की हो रही है मौत। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉपना। बखमुट में रूसी सेना जमीन और आसमान दोनों ही जगहों से बारूद की बौछार कर रही है। ऐसी एक तस्वीर बखमुट से आई जहां रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की। रूस ने SU-25 से दर्जनों बम गिराए। रूसी हमले के बाद पूरा आसमान बारूद और धुएं से ढक गया। डोनबास रीजन के अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी सेना ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को टारगेट किया। सेंट्रल यूक्रेन में रूस की सेना ने MSTAS सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र से ताबड़तोड़ फायरिंग की। रूस का दावा है कि MSTAS की फायरिंग में यूक्रेन के कई डिपो तबाह हो गए। रूसी हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने खारकीव के रिहायशी इलाके पर जमकर शेलिंग की। रूसी गोलीबारी से खेरसोन की दीवारें छलनी हो गई। कई घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूसी गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा कि रूसी सेना बखमुट में लगातार आगे बढ़ रही है और हर चीज को नष्ट कर रही है, लेकिन हमें बखमुट को बचाना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि सेना बखमुट की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। डोनेस में रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूसी हमले में डेली 350 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा मौतें कुप्यांस और खारकीव इलाके में हुई। पश्चिमी देशों से मदद मिलने के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद है। यूक्रेनी सेना रूस के इलाकों पर ड्रोन से हमले कर रही है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने साउथ रूस में ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रिहायशी इलाके थे, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक भी जारी है। यूक्रेनी सेना रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर रही है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने निप्रोपेट्रोव्स्क में 2 रूसी ड्रोन को मार गिराया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस बहुत जल्द बखमुट पर कब्जा कर लेगा। बखमुट पर कब्जे के साथ ही पूरे डोनबास रीजन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन डोनबास रीजन को रूस का हिस्सा घोषित कर देंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रीटी को सस्पेंड करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। पुतिन के हस्ताक्षर के बाद रूस का अमेरिका के साथ इकलौती परमाणु संधि खत्म हो गई। 2010 में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी।